तो गाइस हे गाइस वेलकम बैक टू द डियर बनो गाइस। देखिए मैंने आपको पहले वाली वीडियो बता दिया होगा कि हम KFC गए थे, पापा ने शॉपिंग के लिए करा था, हमारे फ्रेंड ने स्पिनर दिया था, तो वो सब। तो अब है इसमें थोड़ी सी अलग स्टोरी। हमने KFC में खाना वाना खाकर निकल गए थे। हमने अपनी कार कहां पर करी थी? बेसमेंट में। ग्रेट इंडिया प्लेस का बेसमेंट इतना बड़ा है, किसी ने सोची ना होगी। और उसमें दो बेसमेंट थे, एक बेसमेंट और दूसरा बेसमेंट। तीन नहीं थे घर, दो थे। ये बोल रहे तीन थे, पागल है? तीन किसी में नहीं होते, हो सकता है बुर्ज खलीफा में हो। तो हाँ, तो दो बेसमेंट थे और हम पागल हो गए। अब दो बेसमेंट थे, हमें इतना तो पता था कि हमने ऊपर वाले बेसमेंट में खड़ी करे थे, मतलब फर्स्ट बेसमेंट। तो हम फर्स्ट बेसमेंट में छान लिए। भाई हमने इतना घूमा फर्स्ट बेसमेंट में, इतना घूमा, लिफ्ट ऊपर चढ़े, फिर से डीएल लिफ्ट मॉल में चले गए, दूसरी जगह गए, फिर से लिफ्ट में आए, उधर ही जगह आ गए, फिर चले ऊपर, चले ऊपर, चले लिफ्ट में, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जाते 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 दो तीन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, नो चलते, और ना बोला तो इतना जा रहा पर हुआ ही नहीं वहाँ पर, इतना गया, हमें पता ही नहीं हमारी कार कहाँ पड़ी थी। बस हमें ये पता था फर्स्ट बेसमेंट में पड़ी थी, हम फर्स्ट बेसमेंट में ढूंढते रहे, एक ठीक ठाक के सिक्योरिटी गार्ड मिले जो मेन गेट में खड़े हुए, मतलब डीएल मॉल के एंट्रेंस में खड़े हुए, एंट्रेंस तक जाकर आए। हमने उनसे पूछा, उन्होंने अच्छी तरह आंसर दिया, तो हम उसकी तरह चलते रहे और फाइनली हमें अपनी कार मिल गई। हम इतना खुश हुए, किसने सोची ना होगी। कुछ उसमें आई थिंक एक घंटा आधा घंटा हो गया, बहुत देर लगी। फिर दीदी ने बोला फाइनली यार, या पापा अगर हमने दूसरी कार खरीद ली तो इस कार की याद आएगी ना। तो पापा ने तो कुछ नहीं दे, हो सकता है उन्होंने बोला भी है पर मेरे को सुनाई नहीं दिया। सो गाइस यस, ये थी हमारी स्टोरी और आज मैंने तीन वीडियो बनाए। सो गाइस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और ये तीन वीडियो तीन दिन का ठेका हो गया। सो गाइस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, एंजॉय, सी यू नेक्स्ट टाइम।